Welcome back to my YouTube channel Art and Craft Creation. आज मैं आपको टिश्यू पेपर के फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप होम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हमने डिफरेंट कलर्स के बनाए हुए हैं. ये वाइट है, आप डिफरेंट कलर के टिश्यू पेपर यूज़ करके भी बना सकते हैं, या फिर आप टिश्यू पेपर में कलर फिल करके भी आप इसे कलर वाटर में डुबाएं और उससे भी आपके टिश्यू पेपर कलर हो जाएंगे और आप उससे टिश्यू पेपर के कलर्ड कलरफुल फ्लावर्स बना सकते हैं. हमने वाइट का भी बनाया, वाइट फ्लावर भी बहुत सुंदर लगते हैं. आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना के अपना होम डेकोरेशन करने में इसे यूज़ कर सकते हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. हमें सबसे पहले एक तार चाहिए, जो कि मोदी धागे के शॉप में आसानी से मिल जाता है. और हम यहाँ पर टिश्यू पेपर लेंगे, जो कि मैंने पहले से ही ओपन किए हुए हैं. आपको टिश्यू पेपर लेने हैं 4 या 5 आपको टिश्यू पेपर लेने हैं. हमने यहाँ पर 5 टिश्यू पेपर्स लिए हुए हैं. अब इन्हें हमने पूरा ओपन करके रखा हुआ है, इसको जस्ट हाफ हम कटिंग करेंगे. जस्ट हाफ में हम इसे कट कर लेंगे. और यहाँ पर हमने टिश्यू पेपर कट कर लिए. अब टिश्यू पेपर्स को इसके ऊपर रखेंगे और ये हमारे पास 5 के जस्ट डबल 10 हो जाएंगे. 10 टिश्यू पेपर्स को हमने यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करना है. अब इसको हमें इक्वल रखना है. अगर आप चाहो तो सबसे पहले एक फोल्ड ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके इनको इक्वल कर सकते हैं. मैं आपको सीधे डायरेक्ट यहीं से इक्वल करके बताऊँगी. अगर आपको लगे ये ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इन्हें कम भी कर सकते हैं. आप जितने ज़्यादा टिश्यू पेपर लेंगे उससे आपके फ्लावर्स उतना ही खिला खिला बनेगा. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. आपने एक साइड इधर फोल्ड करना है, एक साइड इधर फोल्ड करना है. ऐसे ही आपने फोल्ड पूरा फोल्ड कर लेना है टिश्यू पेपर को. हमारा टिश्यू पेपर बहुत सारा लिया हुआ है, तो इससे हमारा फ्लावर बहुत खिला खिला बनेगा, जो कि डेकोरेशन में बहुत अच्छा लगेगा. आप इसे फ्लावर पॉट में भी लगा सकते हैं, या आप ऐसे ही इसमें फ्लावर डेकोरेशन के लिए ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं. अब आपको ये रेडी है, इसको आपको जस्ट डबल हाफ करना है. यहाँ से इसको हाफ करना है. आप ये देखेंगे ये जस्ट हाफ हो गया है, ये हाफ़ करना है. और आपके पास जो तार है आप तार लेंगे. यहाँ पर जैसे इसका हाफ पार्ट है, ये आप यहाँ से तार लेंगे. तार की आपको यहाँ पर एक नोट लगानी है, ऐसे तार लेंगे. ये तार बहुत पतला है, जो आसानी से फोल्ड हो जाता है. इसे ऐसे राउंड ले लेंगे और इसे अगर आप प्लास की सहायता से दबाना चाहें तो आप दबा भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमें कोई परेशान नहीं करेगा. आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं ऐसे, और इसे लास्ट में हम ऐसे खुला रख देंगे और तार को हम स्ट्रेट कर लेंगे. हाँ, तो अब रेडी है. अब हम इसको इसकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. आप देख रहे हैं पीछे भी सेम यही शेप है, आगे भी यही शेप है. अब हमें इसके सबसे ऊपर धीमे धीमे हाथ से इसे धीरे धीरे करके उठाना है. ये सेम प्रोसेस हमें पूरे में करते हुए जाना है. बहुत हल्के हाथ से उठाएंगे, टिश्यू पेपर बहुत लाइट वेट होता है, वो फट सकता है. ऐसी सेम प्रोसेस हम दोनों तरफ करेंगे. आपको 1 by 1 करना है, आपको टिश्यू पेपर 1 by 1 लेते हुए चलना है. ऐसे ही आपने ऊपर किया, सेम प्रोसेस आप नीचे से भी करेंगे. यहाँ भी आपने 1 by 1 पेपर लेते हुए करना है. ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे पूरा
कर लिया हुआ है, निकाल लिया है, खोल लिया है पूरा अच्छे से। अब देखिए ये हमारा आगे का पार्ट है और ये हमारा पीछे का है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो या आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे भी पूरा नहीं लग रहा, ऐसे भी अच्छा है, बट आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से ये लेके इसको यहाँ से खोल कर आप लास्ट में ऐसे करेंगे और यहाँ से इसको आगे की तरफ हल्का सा ऐसे करेंगे जिससे ये फूला फूला लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा शेप आ रहा है, ये देखिए ये फ्लावर रेडी है। अब हम ये हमारा फ्लावर रेडी है, अब हम इसकी जो तार है, तार को हम ग्रीन कलर के टेप से या आप ग्रीन कलर के पेपर से, ग्रीन कलर के धागे से या ऊन से या आप रेशम की डोर से, किसी से भी आप इसे ड्रैप करके वो चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा कि रियल लगने लगेगा फ्लावर कि ये एक वाइट रोज़ है। जैसे हमने ये रेशम की ग्रीन कलर का लिया हुआ है, अब इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे अब हमने इस कॉर्नर से स्टार्ट करा है, यहाँ हम एक हल्की सी इसमें गांठ लगा लेंगे स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये वाले पार्ट को अपने साथ ऊपर, जो हमारा ये लास्ट का पार्ट था, इसे इसमें से दबा देंगे और हम इसे फिल करते हुए पूरा नीचे तक ऐसे लगाते जाएंगे। और यहाँ पर हमने ये पूरे में लगा दिया हुआ है। अब हम इसमें फेविकॉल लगाया हुआ है, फेविकॉल से इसे इसमें पेस्ट कर देंगे। आप इसके लिए ग्रीन कलर के किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने रेडी कर दिया है, ये इसमें हमने बांध दिया है और ये हमारे पास बहुत अच्छा सा फ्लावर रेडी है। अगर आपको, आप भी ऐसा फ्लावर घर पे बना सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत आसानी से सब चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो, मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।